हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, आप लोग बहुत परेशान होंगे कि काफी ज्यादा मार्केट डाउन जा रही है। कुछ लोग बाय करके वेट कर रहे हैं और पेशेंस नहीं है उनके अंदर कि भाई उनको लगता है कि मार्केट अभी उड़ सकती है 2 4 दिन में, 5 10 दिन में। देखो, कभी भी कुछ भी हो सकता है क्रिप्टो के अंदर, और हमेशा अवेयर रहना चाहिए उस टाइप के प्रोजेक्ट के अंदर जिस प्रोजेक्ट में दम है, और दूसरा वो जो प्रोजेक्ट है एआई से रिलेटेड होना चाहिए। तीसरी चीज ये है कि दोस्तों वो एक्टिव प्रोजेक्ट होना चाहिए। किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में जो बातें तो बड़ी बड़ी, उनकी वेबसाइट पे काफी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो लोग एक्टिव नहीं है। उनको बहुत बारीकी सी देख कर उसके अंदर इन्वेस्ट करो, यही टाइम है। इसके बाद अगर इन्वेस्ट करा तो मे बी आपको इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। ये जो टाइम है जो मार्केट बॉटम के ऊपर है, और बॉटम के ऊपर आपने अगर बाय कर लिया दोस्तों, तो ये समझ लो कि सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो कौन सा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको मैं बड़ी बारीकी से देख रहा हूं, और आपको भी रेगुलर बेसिस पे मैं आपको बताता रहता हूं कि मासा एआई एक ऐसा प्रोजेक्ट है। वो एक छोटा मोटा कहने को एआई नहीं है, वो एक काफी बड़ा एक वेब थ्री प्रोटोकॉल का काम कर रहा है। उसके बारे में मैंने पिछले से पिछले वीडियो में भी बताया था। बिटकॉइन की एनालिसिस के साथ साथ मैंने आपको मासा का जो एआई जो फंक्शनल है, उसकी पार्टनरशिप है, उसके बारे में बताया था। लेकिन उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि इसकी कुछ बड़ी अनाउंसमेंट भी फ्यूचर में आने वाली है। तो अच्छी सी अनाउंसमेंट ऑलरेडी एक फ्यूचर में, एक क्या काफी सारी अनाउंसमेंट इसकी अभी बताऊंगा मैं आपको। बिटेंसर के ऊपर ये लाइव होने जा रहे हैं, और बिटेंसर के ऊपर लाइव कैसे, सब सबनेट इनका बिटेंसर के ऊपर आ रहा है। आपको पता है कि बिटेंसर जो एआई के इकोसिस्टम में कितनी बड़ा नाम है, और बिटेंसर का जो टोकन है वो ऑलरेडी काफी बढ़ चुका है। अब मैं बिटेंसर की बात यहाँ ज्यादा नहीं करूंगा, बिकॉज जो मेन जो पर्पज है मासा की तरफ अट्रैक्शन लेके आना है आपका। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरे किसी भी वीडियो के अंदर किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती। अपनी एक अच्छी सी छोटी सी रिसर्च कर लेना किसी भी टोकन को सेल या बाय करने से पहले। तो मासा के बारे में देखें तो रिसेंटली कल एक ऐसी न्यूज आई है जो एकदम अलग है और एकदम डिफरेंट है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा इतनी बड़ी पार्टनरशिप हो जाएगी। मासा का जो सबनेट था वो है अवलांचे के ऊपर, ऑलरेडी वो चल रहा है, ठीक है। ईवीएम कंपेटिबल भी है मासा, और उसके साथ साथ अब बिटेंसर का जो सबनेट है वो भी अनाउंस हो चुका है। मासा ने जो बिटेंसर के ऊपर जो एआई डाटा सबनेट लॉन्च किया, उसके साथ साथ इन्होंने और भी काम किए हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। रिसेंट डेज में जो कल की डेट में अनाउंसमेंट आई है उसकी बात कर रहा हूं मैं आपसे। काफी बड़ी एक्सचेंज है कोरिया की, उसके ऊपर भी इन्होंने लिस्टिंग की है। कॉइन वन एक्सचेंज कोरिया का काफी बड़ा एक्सचेंज है, इसके ऊपर वॉल्यूम भी जबरदस्त है। इसके ऊपर फिलहाल ट्रेडिंग कंपटीशन चल रहा है, और Gate.io और कॉइन कू कॉइन के ऊपर भी, मतलब तीनों एक्सचेंज के ऊपर, कॉइन वन, Gate.io और कू कॉइन, तीनों के ऊपर जो आज की डेट में जो है ऑलरेडी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम चल रहा है, और इसके ऊपर अच्छा खासा 3 मिलियन से ऊपर का प्राइस इन्होंने रखा हुआ है। अलग अलग एक्सचेंज का अलग अलग है, लेकिन आप पर्टिकुलर एक्सचेंज पे जाके आप उस पर सर्च कर सकते हो। प्रोटोकॉल को मासा ने ज्वाइन किया है, और एक अच्छी पार्टनरशिप होने की वजह से वेब 3.0 के लिए बहुत अच्छा इकोसिस्टम मासा बन सकता है, हुक्ड प्रोटोकॉल भी बन सकता है, क्योंकि दोनों का मकसद वेब 3.0 का ही है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ये ऐसा एक कोलोब्रेशन करके एक ऐसा बिगेस्ट कम्युनिटी बनाना चाह रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। कुकॉइन की ट्रेडिंग कंपटीशन का जो कैंपेन देख सकते हो, उस कैंपेन के हिसाब से $1,00,000 जो का जो मासा है आप अर्न कर सकते हो अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम करते हो तो। जनरली मैं इन चीजों पे ध्यान नहीं देता, मैं केवल और केवल जो है चीजों को होल्ड करने में ज्यादा विश्वास रखता हूँ। दोस्तों, कॉइन लिस्ट की एक काफी अच्छी न्यूज आई है, उस न्यूज के हिसाब से मासा और बिटेंसर के ऊपर एक टेस्टनेट सबनेट जो आ रहा है, उसका जो टेस्टनेट चल रहा है, अगर कोई भी डेवलपर या कोई भी जो टेस्टनेट के बारे में नॉलेज रखता है तो वो टेस्टनेट यहाँ पे रन कर सकता है। उन्हें भी ऑफर किया है कि 3 मिलियन मासा टोकन वो उनको मिलेंगे जो भी इनके ऊपर जो टेस्टनेट लॉन्च करेगा। दोस्तों, एक और इसकी जो लिस्टिंग हुई है यूनिस्वैप के ऊपर, जो पेयर की लिस्टिंग हुई है मासा और डब्लू ताओ, मतलब बिटेंसर का जो टोकन है ताओ, उसका जो एक वर्जन है रैप्ड ताओ के ऊपर, जो यूनिस्वैप के ऊपर ट्रेडिंग हुई है। अगर आप इसके पेयर में ट्रेडिंग करना चाहते हो, कोई भी करना चाहता है वो कर सकता है। इनके लिए एक अच्छी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी है, बिटेंसर के ऊपर सबनेट बनाने का रीजन भी है। बहुत सारे एआई के जो प्रोजेक्ट है मासा के साथ जुड़ जाएंगे, इसके लिए काफी कैंपेन भी कर रहे हैं इनके जो को फाउंडर हैं।
यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो कि इनके जो को फाउंडर हैं कितने अच्छे तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं। और देखो कोई भी प्रोजेक्ट है दोस्तों मार्केटिंग से ही ऊपर उठता है, और मार्केटिंग जो अगर किसी प्रोजेक्ट में खाली बातें होगी तो वो बातों से एक लेवल तक तो जा सकता है, लेकिन जो फ्यूचर में वहां पे स्ट्रॉन्ग बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा वो एक अलग बात है। देखो टोकन कोई भी ऊपर जाता है कोई भी नीचे जाता है, ठीक है वो कभी भी जा सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो एक पब्लिक इंटरेस्ट जो पैदा होता है वो उन टोकन में होता है जिन टोकन के अंदर जो है जो लोगों का अपना एक इंटरेस्ट होता है, वो मार्केटिंग देखते हैं उससे इंप्रेस होते हैं कहीं ना कहीं, उसके जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के ऊपर विश्वास रखते हैं। उस केस को एक वाइड लेवल देने के लिए भी इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है। बिटेंसर के ऊपर जो सबनेट हो रहा है उसके साथ साथ ये एक माइनर्स के लिए और वैलिडेटर्स के लिए, ठीक है, एक ऐसा इकोसिस्टम लेके आ रहे हैं जिससे ये ड्यूल टोकन इकोसिस्टम रिवार्ड इकोसिस्टम बन जाएगा, ठीक है। उसके अंदर डॉलर मासा और डॉलर ताओ टोकन को भी अर्न करने का एक बहुत अच्छा मौका है इन लोगों के लिए जो भी वैलिडेटर एज ए वैलिडेटर काम करते हैं, एज ए माइनर काम करते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो बिटेंसर के साथ जुड़ के मासा ने एक बहुत बड़ा काम किया है, और इस काम के लिए अभी शॉर्ट टर्म में तो नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो अनाउंसमेंट आएगी कोई भी इसके साथ सबनेट रेडी हो जाएगा तो भी एक बहुत बड़ी जो 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 चीजें सामने निकल के आएगी। तो मासा को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, और ये क्योंकि बियर मार्केट में इतनी स्ट्रॉन्गली तरीके से काम कर रहा है तो बुल मार्केट के लिए इसके प्लान भी बड़े स्ट्रॉन्ग हो गए। तो कहीं ना कहीं इस टोकन को मैं एक हाइट पे देखता हूं, और इसकी जो न्यूज थी एक साथ ही एक ही दिन में काफी सारी थी, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। इसके साथ साथ कोई भी किसी भी तरह की कोई न्यूज होगी मैं आपको इसके बारे में बताता रहूंगा। और दोस्तों अब रही बात शॉर्ट टर्म की, ये न्यूज तो चलती रहेगी, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी तो भी मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी अपनी टोकन्स नहीं बेचने चाहिए कहीं ना कहीं उस चीज को, और लॉन्ग टर्म आप देख सकते हो क्रिप्टो मार्केट को, और क्रिप्टो मार्केट को लॉन्ग टर्म देखने के बाद ही आपको कुछ फायदे हो सकते हैं। और अगर आप ये सोचते हो कि भाई शॉर्ट टर्म में 10x कर लूं या 5x कर लूं, तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी मार्केट हफ्ते दो हफ्ते में थोड़ा नीचे जाए, लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा एक मार्केट रिजल्ट दिखाएगी। एनीवे छोटा सा वीडियो था मासा के ऊपर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।